और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी ने किस प्रकार लोगों की ज़िंदगी तबाह करती है। एक तरफ बीमारी का डर है, दूसरी ओर ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की चिंता है, जिससे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में है। कोरोना से पूरी दुनिया खौफ में जी रही है। जिसको कोरोना हो गया वो ठीक कैसे होगा, इसका डर सभी को सता रहा है। लेकिन जिनको नहीं हुआ उन्हें कोरोना से कैसे बचना है, इस डर के साए में लोग जी रहे हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों में मेंटल स्टेटस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पता चलते ही मरीज डिप्रेशन में जा रहे हैं। एम्स के डॉक्टर द्वारा किए गए एक अध्ययन में कोरोना से पीड़ित 21% मरीज डिप्रेशन में पाए गए हैं। वहीं 22.1% मरीज तनाव में थे। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक स्ट्रेस और डिप्रेशन पीड़ित मरीजों का इलाज चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एम्स के डॉक्टर्स ने 461 मरीजों पर यह स्टडी की है जिन्हें कोरोना होने पर इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया था। एम्स के डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मानसिक परेशानी होने पर इलाज ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मनोचिकित्सक हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसलिए मानसिक स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को योग और सांस से जुड़े व्यायाम करने चाहिए, इससे तनाव दूर होता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रागिनी सिंह ने बताया कि कोविड महामारी ने किस प्रकार लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। एक तरफ बीमारी का डर तो दूसरी तरफ जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की चिंता। ऐसे में पूरे देश में 1.5 से 2 लाख मरीजों में एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि इन लोगों को परेशानी होने पर भी इलाज मिलना संभव नहीं है। बड़े शहरों में तो ऐसी परेशानी पर इलाज मिल रहा है, लेकिन कोविड का एक पैनिक अटैक पूरे देश में है और हर किसी को इलाज मिलना संभव नहीं लग रहा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।